गाइस, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं बात करूँगा कि आपको किस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, है ना। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के समय देने होंगे, और आपका जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड से लिंक होना कितना ज़रूरी है, इन सबों पर आज बात होगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहली बात कि सर, हम किस बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवाएं? तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक भी हैं, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। तो उसमें आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं, ये आपके ऊपर। अगर आपका ऑलरेडी किसी बैंक में खाता है, पंजाब बैंक में, सेंट्रल बैंक में, स्टेट बैंक में, SDFC में, ICICI बैंक में, है ना, बैंक ऑफ इंडिया में, किसी भी बैंक में है तो वो चलेगा। और अगर नहीं है तो आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको SBI में ही खुलवाना है, या ICICI में ही खुलवाना है, या कोटक महिंद्रा में ही खुलवाना है। आप किसी भी बैंक में खुलवा लीजिए, लेकिन वी नो दैट कि SBI इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। तो अगर आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे पहले सैलरी उसी अकाउंट में आती है। तो अगर आपका मतलब अकाउंट नहीं है तो आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करवा लें, या किसी भी बैंक में करवा लीजिए, डजेंट मैटर, बस आपको अकाउंट ओपन करवाना है। उसके साथ आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैन कार्ड में अगर मैं बात करूँ तो जो 5वें नंबर का लेटर होता है, जैसे मान लो MQIPR, तो जो 5वें नंबर का लेटर है वो आपके सरनेम को डिनोट करता है। जैसे मेरा सरनेम राजपूत है, ठीक है, तो आप देखना कि आपका जो पैन कार्ड होगा उसमें जो 5वें नंबर का लेटर होगा वो आपका सरनेम वाला अक्षर या अल्फ़ाबेट ज़रूर होगा, ठीक। तो आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, और ये दोनों आपस में मतलब लिंक भी होने चाहिए। 31 मार्च 2022 तक तो गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से फ्री लिंक किया था, लेकिन अब 1000 का चार्ज लगने लगा है। तो अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उन दोनों को लिंक कर सकते हैं। क्योंकि उसको लिंक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैन कार्ड कंपलसरी है देना, आधार कार्ड कंपलसरी देना है। कल के दिन जब आप न्यू पेंशन स्कीम NPS के तहत रजिस्टर्ड होंगे ना, तो आपका एक नंबर जनरेट होगा, प्रान। प्रान मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है, और उसी से पता चलता है कि आप NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं और आप NPS के तहत पेंशन लेने के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो प्रान नंबर जनरेट होगा, या जो आगे की फॉर्मेलिटीज़ होंगी उसमें पैन कार्ड आपका ज़रूरी है, तो इन दोनों को लिंक करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, हमने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस हमारा अलग हो गया है। पहले जब मैंने फॉर्म भरा था तब हम लोग कहीं और रहते थे, प्रेजेंट एड्रेस बदल गया है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें एक ही एड्रेस रखिए। उसका फ़ायदा ये है कि जब रेलवे किसी भी तरीके से आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेगा ऑफलाइन के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो वो आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर आपको कुछ भी जो भी जानकारी होगी वो आपको भेजेगा, और वही एड्रेस दीजिए। अगर आपका कहीं पर एड्रेस सेम नहीं है तो उसको सेम करा लीजिए, जैसे आधार कार्ड में या कहीं पर भी। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, मेरा बैंक अकाउंट जो ओपन है उसका जो नेम है और मेरा जो आधार कार्ड का नेम है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर बैंक में अपना मतलब करेक्शन करा लीजिए, और जो भी आपका नेम में दिक्कत है बैंक अकाउंट में वो भी करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत चीज़ें बहुत आगे चल के दिक्कत करती हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और देखो, अभी तक तो आप परेशान थे कि नौकरी लग जाए, अब जब आपकी नौकरी लग गई है तो बहुत सारा डीमोटिवेशन आ रहा है, क्योंकि आप पहले से अवेयर होने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सी जॉब का वर्क क्या है, है ना, हमारा वर्क प्लेस क्या रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, पहले ये चीज़ें नहीं थी तो लोग थोड़े से कम मतलब इन चीज़ों से अवेयर नहीं थे, तरीके से सही भी था। अब अवेयर हो रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है, आप नेगेटिविटी अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से निकलना है, यही मकसद रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।